डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। बॉलीवुड में ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने अपने खास किरदार से पर्दे पर अमिट छाप छोड़ी है। ये कलाकार खुद के सामर्थ्य का उदाहरण देने के लिए किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते। बॉलीवुड की अभिनेत्रियां अपनी एक्टिंग का दमखम दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती और अपने आप को हर रोल में ढाल लेती हैं। फिल्मी किरदारों में सबसे अहम किरदार माँ का भी माना जाता है, जिसे समय समय पर कई अदाकाराओं ने अपनी अदाकारी से जीवंत किया है। कई अभिनेत्रियों ने तो माँ का ये किरदार शादी से पहले ही निभा लिया और आज हम आपको उन्हीं एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी शादी से पहले दो फिल्मों में माँ का किरदार निभाया था। उन्होंने साल 2014 में आई फिल्म मैरी कॉम और साल 2015 में आई फिल्म बाजीराव मस्तानी में माँ का किरदार अदा किया था। दर्शकों ने प्रियंका चोपड़ा के इस किरदार को खूब पसंद भी किया था। अमीषा पटेल। अमीषा इन दिनों फिलहाल फिल्मों से दूर चल रही हैं, लेकिन इन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म में मां का किरदार निभाकर खूब सुर्खियों में रही थी। हम बात कर रहे हैं अमीषा पटेल की फिल्म गदर की। इस फिल्म में उन्होंने उत्कर्ष शर्मा की मां का किरदार निभाया था। फिल्म गदर में उत्कर्ष शर्मा के किरदार का नाम जीते था। इस फिल्म में सनी देओल और अमरीश पुरी जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में थे। फिल्म गदर साल 2001 में आई थी। जैकलिन फर्नांडिस। जैकलिन फर्नांडिस भी फिल्म में मां का रोल अदा कर चुकी हैं। उन्होंने साल 2015 में आई फिल्म ब्रदर्स में अक्षय कुमार की पत्नी का रोल निभाया था। इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस और अक्षय कुमार की बेटी होती है। फिल्म ब्रदर्स में इन दोनों कलाकारों के अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकी श्रॉफ भी मुख्य भूमिका में थे। यामी गौतम। यामी ने अब तक शादी नहीं की है, लेकिन यामी ने फिल्म बदलापुर में वरुण धवन की पत्नी का किरदार निभाया था। इस फिल्म में यामी और वरुण का एक बेटा भी होता है। फिल्म बदलापुर साल 2015 में आई थी। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी मुख्य भूमिका में थे। दीपिका पादुकोण। दीपिका ने भी शादी से पहले माँ का किरदार निभाया है। उन्होंने भी साल 2015 में आई फिल्म बाजीराव मस्तानी में एक माँ का किरदार निभाया था। दर्शकों ने इस किरदार को काफी पसंद भी किया था। ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा इस साल अपने बॉयफ्रेंड और अभिनेता अली फजल से शादी करने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन्हें अपनी शादी टालनी पड़ी है। आपको बता दें कि ऋचा चड्ढा ने सुपरहिट फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विनीत कुमार सिंह की मां का रोल अदा किया था। उनके इस किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया था। आपको बता दें कि गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 साल 2012 में आई थी। कटरीना कैफ। अभिनेत्री कैटरीना कैफ भी फिल्म में मां का रोल कर चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में ही ये किरदार निभाया था। साल 2009 में आई फिल्म न्यूयॉर्क में उन्होंने एक मां का रोल किया था। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता जॉन अब्राहम, नील नितिन मुकेश और इरफान मुख्य भूमिका में थे। साक्षी तंवर। साल 2016 में आई दंगल में साक्षी ने आमिर खान की पत्नी का रोल अदा किया था। साथ ही उन्हें गीता और बबीता फोगाट की मां के रूप में भी दिखाया गया था। 47 वर्षीय साक्षी ने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन उन्होंने साल 2018 में एक बच्ची को गोद लिया था। अमर उजाला.com